हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा सीएमए का एग्जाम था फाउंडेशन का। इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। एमसीक्यूज दिए गए थे सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहली बार ही इस तरीके का एग्जाम हुआ था। तो जानते हैं आज हम लोग की पेपर कैसा था, क्या डिफिकल्ट था या बहुत आसान था, कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या मेहनत करी, बच्चों को कितनी आसानी थी पेपर देने में या कुछ तकलीफ हुई, ये हम लोग नहीं बताएंगे। चलो हम बच्चे से ही पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि किस तरीके से था। तो हमारे साथ में मृदुल है, हम मृदुल को यहाँ बुलाते हैं कि मृदुल आइए एक बार एंड बताइए कि ओवरऑल कैसा था सब कुछ, कैसा पैटर्न था। तो मृदुल, हम सब कुछ क्वेश्चन जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम कैसा हुआ सबसे पहले बताइए आप। एग्जाम भैया सही हुआ, और मतलब कि सारे सब्जेक्ट मतलब कि टाइम पे कंप्लीट हो गया मेरा, टाइम पे कंप्लीट हो गया आपका पेपर। अच्छा मृदुल, मैं इतना पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे आपका फर्स्ट जो सेशन था वो अकाउंट्स और इको का था, तो इनमें से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स? मेरे ख्याल से भैया इजी अकाउंट्स का था, बट अकाउंट्स का थोड़ा लेंथी पेपर था। लेंथी पेपर था, जैसा कि हम सबको बताया अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी आया, मृदुल ने भी बताया जस्ट अभी। तो जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन करी होगी, आई थिंक उन दोनों के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई थिंक नहीं मतलब आसानी से था। देन सेकंड हमारा आता है हमारा लॉ का पोर्शन एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो मैं जानना चाहूंगा कि लॉ में कैसा था, कि जैसा इंस्टीट्यूट से आप सोच रहे थे वैसा, जैसे आपने सैंपल पेपर करे थे वैसा था, या कुछ टफ भी था, इंस्टीट्यूट ने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करे थे या इजीली आप अटेम्प्ट कर पाए? भैया एज कम्पेयर टू मॉक टेस्ट लॉ का पेपर काफी अच्छा था, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी अच्छे फ्रेम किए हुए थे, तो लॉ के पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर, बट डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। और मैथ्स का? मैथ्स का तो भैया काफी इजी पेपर मैथ्स का काफी, मतलब ओवरऑल आप बता रहे हो कि पेपर बहुत अच्छा था एंड आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपने शांति से अपना लॉग इन करके पेपर दिया। सेकेंड क्वेश्चन मेरा पूछना चाहूंगा, हम लोगों ने जैसे अपनी आपकी लॉ की क्लासेस ली थी एंड हम लोगों ने आई थिंक कोर्स भी पहले कंप्लीट कर लिया था आराम से, देन मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड कराए थे कुछ केस लॉज एंड रिवीजन वीडियोस, तो क्या उस रिवीजन वीडियोस का कुछ फायदा मिला? भैया फायदा तो बहुत था, क्योंकि कुछ कुछ केस लॉज भी आए थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, तो मतलब बहुत फायदा था कि जो अपन ने रिवीजन करा कॉन्ट्रैक्ट का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जल्दी जल्दी जो हमारे कर रहे थे उससे आपका फायदा मिला। बिल्कुल, एंड आप लगता है कि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल रिव्यूज, आई होप आप सबका भी पेपर अच्छा गया होगा एंड अब इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इंटर की पढ़ाई थोड़ी सी और हार्ड हो जाती है एंड आई होप आप सबका पेपर भी अच्छा गया हो। स्टिल आप लोगों को कोई और डाउट हो, चाहे पेपर के पैटर्न में या सॉल्यूशन में, आप सब हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स अब इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में सारी दी गई है। थैंक यू वेरी मच।